हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी 12 नहीं बजे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और लंच बनाने की तैयारी हो चुकी है। और नाश्ता नाश्ता सबका हो गया है। और यूवी की अभी छुट्टी है, परसों का एग्ज़ाम है इसका, तो ये अंदर बैठा हुआ है, नाश्ता कर रहा है और मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें दाल है, उसमें चावल है, तो ये बना रही हूँ आज दाल चावल। तो आज थोड़ा सा जल्दी लग गई हूँ क्योंकि फ्री बैठी हुई थी, तो फिर चलो कि भाई चलो काम कर लेते हैं। और जल्दी काम हो जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना है, कि जैसे इस वाले रूम में कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, उनकी तय वगैरह लगानी है, बेड पे चादर बिछानी है, तो इस वाले रूम में थोड़ा साफ़ सफाई करनी है इसलिए। और जी बस अभी तो यही है, साफ़ सफाई करते हैं थोड़ा सा फ्री होके। उसके बाद में कल कपड़े धोए थे, कल थोड़े से कपड़े धोए थे, आज थोड़े और धोने हैं क्योंकि मौसम हो गया था ख़राब और फैलाने की जगह नहीं थी छत पे, मतलब नीचे जगह थी नहीं और ऊपर मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, बारिश बारिश बूंदे वगैरह भी आई थी। लेकिन इसलिए फिर मैंने कपड़े आधे ही रोक दिए, मैंने कि चलो आज इतने ही धो लेते हैं कि जितने बाहर बरामदे में आएंगे उतने धो दिए थे आज। इसलिए फिर दोबारा से थोड़ी मशीन लगाऊंगी, थोड़े से कपड़े और हैं वो आज धोऊंगी। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब सर्दी नहीं है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सर्दी है। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है ऊपर, और बूंदाबांदी बीच बीच में हो ही रही है। तो आज भी कपड़े मुझे नीचे ही डालने पड़ेंगे, ऊपर शायद ना डाल पाऊँ क्योंकि हवा इतनी तेज़ है, फिर कपड़े उड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मिट्टी वगैरह लग जाती, बेकार हो जाता है। तो अभी का तो यही है रूटीन और फिर देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद लंच वंच से निमट के क्या करते हैं। और फ्रेंड बहुत दिक्कत आ रही है, मैंने बीच में ब्लॉगिंग करनी बंद कर दी थी तो फिर जो जो मेरी वो थी स्टिक बोलते हैं उसको, स्टिक भी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, मेरे को ना नाम याद नहीं आ रहा, तो वो मैंने ना फिर इधर उधर मतलब सफाई फाई करते थे तो इधर उधर रख देते थे और अब याद ही नहीं आ रही है कि कहाँ रखी हुई है। तो कुछ मतलब स्टैंड वगैरह, वो स्टैंड मतलब स्टैंड का ही काम करती है और उसमें मतलब हम फ़ोन लगा के ना और अपना काम करते रहते हैं। अभी ये फ़ोन लगाने का मेरे पास कोई वो मिल ही नहीं रहा कि कहाँ करूँ क्या करूँ, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पा रहा है कि एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रहा हुआ है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो क्या करूँ, अब सारे में ढूंढ लिया है, अभी फिर से सारे में ढूंढूंगी, लेकिन जो अभी चाहिए थी मुझे लेकिन अभी तो मिल नहीं रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना थोड़ी वीडियो में ऊपर नीचे जो होगा, क्योंकि मैंने अभी मतलब इस वाले कमरे में देख लिया है, इस वाले में अभी बाकी है, दूसरे वाले में एक दो दराजे देखी हैं उसमें भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दी। बिना जब काम नहीं होता तो फिर चीज़ों की वैल्यू ऐसी समझ नहीं आती, और जब काम होता है ना तब समझ आती है कि भाई इस चीज़ की हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू है। तो कई बार ये चीज़ है ना, हम ये वाली गलती बच्चे तो करते हैं, बड़े भी कर जाते हैं, हम बड़ों को छोटों को बोलते रहते हैं बच्चों को कि बेटे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू करती है कि हमें भी है ना हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे किसी चीज़ का काम हो या ना हो। तो आज समझ आ गया। तो चलो अभी मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, दाल मेरी बन गई है यहाँ पर, और बस तड़का लगाने के बाद तो फटाफट से तड़का लगाती हूँ और इसको फ़ोन को कहीं जुगाड़ करके रखती हूँ। तो फ्रेंड थोड़ा जुगाड़ करा है इसको रखने का, डब्बे वब्बे लगा के रखा है, अभी मैं उसको ढूंढूंगी कहाँ रखा है क्या है। तो अभी पहले मेरा तेल हो चुका है यहाँ पर, तो इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में और मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि ये जो मेरे कपड़े हैं ये मेरे कल धुले हुए थे और आज मैं इनको ले आई थी ऊपर से, तो ऐसे ही रख दिए थे दिन में क्योंकि खाना वगैरह बनाने में टाइम लग गया था। उसके बाद में फिर मैं सो गई थी, तो अभी शाम हो रही है, तो अभी मैं सबसे पहले कपड़ों की तय लगा रही हूँ और इस कमरे की थोड़ी डस्टिंग करके उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। पर्वत उसको छोड़, अरे खराब हो गया बेटा, छोड़ ना खराब हो गया, जब
अपने आप भर, अपने आप फिल कर, जल्दी जल्दी फिल कर, इतना तो आता है, जल्दी जल्दी करो। पर्वत, सही से, सही से, थोड़ा सही से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि जो थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े थे, पर्दे वगैरह, वो मैंने आज निकाल दिए थे, तो चलो वो भी धुल जाएंगे। और थोड़े से पहनने वाले कपड़े थे वो भी, क्योंकि आज है बुधवार और कल वीरवार हो जाएगा, तो कल कपड़े हम नहीं धोते हैं, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर मशीन लगा के अभी धो दूँगी और कल तक सूख जाएंगे। और यहाँ फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ जो गंदे कपड़े हैं उनको अलग अलग, कि भाई पहले यूवी के पापा के कपड़े डाल देते हैं, जो यूवी के पापा के, यूवी के और थोड़े जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो मैं पहले डाल देती हूँ। तो ये जो शर्ट है इसमें कलर वगैरह नहीं निकलता है, तो इसको भी अभी डाल दूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई, क्योंकि दोपहर में जैसे लेट जाते हैं, तो ये बेडशीट वगैरह सब हिल डुल चुकी थी, और ये जो कम्बल है ये भी मतलब ऐसे ही फैला पड़ा था। तो चलो अभी शाम हो रही है, तो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और कमरे की थोड़ी डस्टिंग कर देते हैं। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और काम सारा हो गया है हमारा, किचन वर्क सारा ख़त्म हो गया है, बस रात के अब सोने की तैयारी है मतलब। और आज थोड़ा सा जुखाम जुखाम लग रहा है, मौसम चेंज हो गया ना, मतलब कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये होता रहता है। तो इस ये जो मौसम है ना, ये बीमारी की एक तरीके से जड़ है, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी लगती है और सुबह शाम थोड़ी सी मीठी मीठी ठंड सी मतलब रहती है, कि थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा मौसम ठंडा है। और एक दो दिन से तो है ना यहाँ बारिश भी हो गई थी थोड़ी सी, और सुबह आज सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे थे 7 बजे के करीब, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवा थी। इस वजह से मैंने कपड़े भी अभी धोए हैं, जस्ट अभी अभी फैला के कपड़े, और अंदर ही बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का एंड कर देते हैं, तो जी। और चलो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट फ्रेंड्स।